झालावाड़ जिले में इन दिनों सिंगाड़ों की खेती शबाब पर है और जिले में रीछवा कस्बे के सिंगाड़ों का स्वाद और इसकी गुणवत्ता लोगों को यहाँ के सिंगाड़े खाने को मजबूर कर देती है। सिंगाड़े की खरीददार यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं और यहाँ से ले जाकर इसका व्यापार तो करते ही हैं, जबकि सर्दी के इन दिनों में खूब जमकर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जबकि यहाँ के सिंगाड़ों में सर्दी और पौष्टिकता और कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलती है, यही कारण है कि यहाँ के सिंगाड़े खूब बिकते हैं। हम आपको झालावाड़ जिले के रीछवा स्थित तालाब में हो रही सिंगाड़े की खेती दिखाते हैं। तालाब में सिंगाड़ों की खेती के लिए बरसात के पहले सिंगाड़ों के बीजों को गड्ढे करके लगाया जाता है, फिर जब बीज से बेलें बनने लगती है तब बरसात भी हो जाती है। इन छोटी बेलों को एक एक कर तालाब में लगाया जाता है। बेलों को बढ़ने में 3 से 4 माह का समय लगता है। जब बेल लगाई जाती है तब से इसकी खेती करने वाले किसानों को बहुत मेहनत से समय समय पर बेलों का ग्रोथ के लिए ट्रोनिक एवं कीटों एवं अन्य एड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। ये कीटनाशक भी वही इस्तेमाल किया जाता है जिससे मछली समेत जलीय जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। सिंगाड़ों की खेती करने वालों को तालाब में छोटी नाव का इस्तेमाल कर इसकी हर दिन देखभाल करना पड़ती है। जब जाकर सिंगाड़ा तैयार होकर बाज़ार में बेचने को लाया जाता है। बाज़ार में 2 प्रकार के सिंगाड़े बिकते हैं। सिंगाड़ों को कच्चा भी बेचा जाता है और हरे सिंगाड़ों को उबालकर काला रंग चढ़ाकर भी बेचा जाता है। झालावाड़ में काले रंग चढ़े ही सिंगाड़े अधिक मात्रा में बिकते हैं, जहाँ ये सिंगाड़े खाने में स्वादिष्ट होते हैं और सर्दी भगाने के लिए साथ साथ पौष्टिक आहार भी इसका इस्तेमाल होता है। सर्दी में हलवाई कई प्रकार के व्यंजन बनाने में भी सिंगाड़े का प्रयोग करता है। साथ ही अभी कोरोना से निमटने के लिए इसका भरपूर मात्रा में लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पौष्टिकता के साथ साथ गर्मी भी होती है। सिंगाड़े खाने से गैस की बीमारी दूर होती है और हड्डियाँ मजबूत होती है। इसमें कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम सभी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। गैस की बीमारी दूर होती है। कोरोना वायरस में भी लाभदायक होता है, क्योंकि ये सर्दी के टाइम पे गर्मी करता है ना, पानी में पैदा होता है तो गर्मी उपस्थित करता है।